हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 141। इस छोरे ने मन्ने अच्छा फंसाया से। अथर्व ने अपनी गाड़ी से वही थाल निकाला जो उसे बाईसा ने मंदिर ले जाने के लिए दिया था। उसने उस थाल से सिंदूर की डिब्बी निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ गया। अथर्व को ऐसे चित्रा की तरफ सिंदूर के साथ जाते देख सब एकदम से शॉक्ड हो गए। वही चित्रा अब अपनी भीगी पलकों से एकटक अथर्व को हैरानी से देख रही थी। अथर्व सब की परवाह किए बगैर चित्रा के सामने आकर खड़ा हुआ और उस सिंदूर के डिब्बी से अपने उंगली से सिंदूर लेकर चित्रा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। उन लोगों में से एक उसे रोकते हुए बोला, रुक जाए मुखीसा, आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े? ऐसी लड़की तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ मुखीसा, आप इस लड़की को बचाने के लिए खुद की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अथर्व उन सब की बातें सुनकर उन सब की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अगर हमें इनका पति बनने के बदले अगर इस क्रूर समाज से भी निकलना पड़ा तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अथर्व का जवाब सुनते ही वो सब खामोश हो गए। उसके बाद अथर्व ने दोबारा से चित्रा की तरफ देखकर अपना हाथ उसकी मांग भरने के लिए बढ़ा दिया। अथर्व जैसे ही चित्रा की मांग भरने वाला था, वैसे ही चित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चित्रा उसे देखते हुए बोली, आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए। चित्रा की बात सुनकर अथर्व की आंखें नम हो गई, पर वो फिर भी मुस्कुराते हुए उससे बोला, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपको देना चाहते हैं। वो सारी खुशियाँ, वो सारा प्यार जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है, अगर आज हम आपको ये नहीं दे पाए तो फिर किसी को नहीं दे पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कहते हुए अथर्व की आंखों से आंसू छलक आया, जिसे देखकर चित्रा ने उसका हाथ छोड़ दिया। चित्रा के हाथ छोड़ते ही अथर्व ने उसके मांग में सिंदूर लगा दिया। चित्रा अथर्व के सिंदूर भरते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और बाकी सब शॉक्ड होकर उन दोनों को देखने लगे। अथर्व ने उसे सिंदूर लगाकर अपना हाथ हटाया तो चित्रा अपनी आंखें खोल अथर्व को देखने लगी। फिर अथर्व ने अपने हाथ से चित्रा का हाथ थामा और सबको देखते हुए बोला, अब शायद आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि हमारा इनसे क्या रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। अगर अब इन पर किसी ने उंगली उठाए तो वो उंगली अब हम पर भी उठेगी, और अगर किसी ने इनके बारे में कुछ गलत कहा तो वो हमारे लिए भी गलत होगा, क्योंकि आज से ये हमारी पत्नी चित्रा अथर्व सिंह सेखावत है। अथर्व ये सब बोल रहा था, जिसे सुनते हुए चित्रा एकटक उसकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। बाकी सब भी अथर्व की बातें सुनकर शोक थे और अंदर ही अंदर अथर्व पर गुस्सा भी हो रहे थे, पर फिलहाल वो अथर्व के सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो वो सब शांत खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। अथर्व ने जब अपनी बात सबसे कह दिया तब वो चित्रा की तरफ देखकर बोला, चले। चित्रा ने उसे देखते हुए ही अपना सर हां में हिला दिया, जिसके बाद अथर्व और वो दोनों ही गाड़ी की तरफ बढ़ गए। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया। अथर्व ने गाड़ी के पास आकर चित्रा के लिए दरवाजा खोला तो चित्रा उसे देखते हुए बैठ गई, तो फिर अथर्व भी दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठ गया और वो दोनों वहां से हवेली के लिए निकल गए। कोष्टक डॉट। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूँ, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, रब ने बना दी जोड़ी। सेखावत मिल्स। रणविजय अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी फाइल्स पढ़ रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा तो वो अपनी फाइल बंद कर अपना फोन देखने लगा। उसने जब अपने फोन पर रौनक का नाम देखा तो वो हैरान होकर सोचते हुए बोला, ईब इसने अचानक से कह हो गया। फिर वो फोन पीक करते हुए बोला, ईब तन्ने कह हो गया से। रौनक दूसरी तरफ से हंसते हुए बोला, हाय रणविजय भाई, आजकल तो आप हमें याद ही नहीं करते, तो हमने सोचा हम ही आपको याद कर लें। रणविजय अजीब सा मुंह बनाकर उससे बोला, अपनी यो बकवास बंद कर और सीधे सीधे मुद्दे पर आ जा। रौनक एकदम से बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, क्या यार, अच्छा ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि क्या आप वहाँ जा रहे हैं। रणविजय उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया और उससे पूछते हुए बोला, कट्ठे जाना से, यो तू किस तरिया की बात कर रहा से, मन्ने कुछ समझ को नहीं आ रहा से। रौनक एकदम से हैरान होकर बोला, क्या आपको अभी तक पता ही नहीं चला? कै पता ना चला? रणविजय उससे पूछते हुए बोला। रौनक हैरानी से उससे पूछते हुए बोला, क्या आपने अपनी पुरानी ईमेल आईडी अब तक नहीं देखी? रणविजय अब इरिटेट होते हुए उस पर हल्का सा गुस्सा करते हुए बोला,
अपनी यो बकवास बंद कर और सीधे मुद्दे पर आ, वरना मारे ते बुरा कोई ना होवेगा। रौनक अब थोड़ा सीरियस होकर उसे बताते हुए बोला, ठीक है बताते हैं। वो एक्चुअली हमारे पुराने एकेडमी शिल्पकार में जनरेशन कॉम्बेट होने वाला है, तो इस बार हमारा बैच इस कॉम्बेट के लिए चुना गया है, तो हम आपसे ये जानना चाहते थे कि क्या आप इसके लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। रौनक की बात सुनकर अचानक से रणविजय की दिमाग की बत्ती जली और वो अपने मन में सोचते हुए बोला, यू ही अच्छा मौका रहेगा, जब मन्ने व छोरे अमन्ने सबक सिखाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ से रौनक रणविजय को शांत देख उससे दोबारा से पूछते हुए बोला, आप जा रहे हैं या ना? रणविजय एकदम से उसकी बात काट कर उसे जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं वटखे जरूर जाऊंगा, तू भी अटखे जल्दी से आ जा, फिर हम सब मिलकर उसने सबक सिखावेंगे। रौनक रणविजय की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उससे पूछते हुए बोला, सबक सिखाएंगे पर किसे और क्यों? हम तो वहाँ हेल्थी कॉम्पिटिशन के लिए जाएंगे, तो ये सबक कुछ ना तू बस अटके आ जा। इतना कहकर रणविजय ने फोन रख दिया और खुद से मुस्कुराते हुए बोला, ईद मनने अच्छा मौका मिला से वाने वो बताने वास्ते की बावली मारी से। शाम का वक्त हवेली, सब लोग हवेली में बैठे चाय पी रहे थे और निक्कू कान्हा के पीछे उसे स्नैक्स खिलाने के लिए भाग रही थी। धरा भी सबके साथ बैठकर उन्हें जयपुर से लाई हुई चीजें दिखा रही थी। तभी एक नौकर भागते हुए अंदर आया और हाँफते हुए बोला, ठाकुर मालिक सा वो मुखी सा। बाहर सब उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे। रणविजय अपना चाय का कप नीचे रखकर उससे पूछते हुए बोला, कै बोलना चाह रहा से तू, जरा ठीक से बोल। वो नौकर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो बाहर मुखी सा आए हैं मुखियानी के साथ, तो उन्हें अंदर ले आओ। बाईसाराज उसे देखकर बोली, पर वो नौकर सर झुकाए शांत खड़ा रहा, तो रूद गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तन्ने सुनाई ना दिया, ताईसा कै बोल रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट। रूद के बोलते ही वो नौकर घबराते हुए बोला, अथर्व मुखी सा व्याह करके मुखियानी को लेकर आए हैं। ये सुनते ही अचानक से सबके होश उड़ गए और सब एक दूसरे को हैरान नजरों से देखने लगे। ठाकुर मालिक सा एकदम से खड़े हुए, तो बाकी सब भी खड़े हो गए। उसके बाद ठाकुर मालिक सा उस नौकर से पूछते हुए बोले, यो कह कह रहा से तू वाने ईब किस तय व्याह कर लियो? उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। आप पूछ क्या रहे हैं, बाहर चलकर देखते हैं, वैसे भी अब इस घर के छोरों का कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब क्या करेंगे। बाईसाराज परेशान होकर बोली, तो सब बाहर देखने चले गए। वो सब जैसे ही बाहर पहुँचे, अथर्व तो बाहर खड़ा था पर उन्हें कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी, तो सजनी एकदम से अथर्व से पूछते हुए बोली, काकूसा हमने सुना आप शादी करके आए हैं, तो हमारी काकीसा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह डॉट। सजनी के कहने पर अथर्व वैसे ही खड़ा अपनी गर्दन घुमाकर अपने पीछे देखने लगा, तो सजनी एक्साइटेड होकर उसके पीछे देखने गई। सजनी ने जैसे ही जाकर अथर्व के पीछे देखा, उसके चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया और वो एकदम से पीछे हो गई। सजनी को ऐसे शोक देख अब धरा आगे बढ़ते हुए बोली, ऐसा भी सजनी ने क्या देख लिया जो ये इतनी शोक हो गई है, मैं भी तो जरा देखूं। उद्धरण चिन्ह डॉट। धरा भी जब गई और उसने अथर्व के पीछे चित्रा को छुपे हुए देखा, तो एकदम से हैरान रह गई, और फिर वो हैरानी से कभी अथर्व को देखती तो कभी उसके पीछे चित्रा को। फिर वो अथर्व से पूछते हुए बोली, ये सब कब से चल रहा था और तुमने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? धरा का सवाल सुनकर अब बाईसाराज उससे पूछते हुए बोली, बिंदरी तुम ये क्या बोल रही हो, और अथर्व किससे शादी करके आया है? धरा उन सब की तरफ मुड़ी और एक हाथ से चित्रा का हाथ पकड़कर उसे अथर्व के पीछे से खींचकर सबके सामने करते हुए बोली। इससे चित्रा को देखते ही सब एकदम से शॉक्ड हो गए। वही चित्रा के मन में घबराहट हो रही थी, वो अंदर ही अंदर ये सोचकर घबरा रही थी कि कहीं यहाँ पर भी सब लोग उसे स्वीकार करने से मना ना कर दें। यही सोचकर वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे ऐसे खड़े देख ठाकुर मालिकसा ने बाईसाराज को कुछ इशारा किया, जिसे तुरंत ही समझकर वो वहाँ से हवेली के अंदर चली गई। और ठाकुर मालिकसा अब चित्रा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, कह हुआ छोरी तू अटठे ऐसो क्यों खड़ी से? फिर वो अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बोले, कही तो नहीं यो बावले ने तो कुछ ना कहा? चित्रा उनकी बात सुनकर एकदम से सकपकाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो तो। चित्रा ने जब बोलते हुए ठाकुर मालिकसा की तरफ देखा, तो वो उसे ही देखते हुए हंस रहे थे, जिसे देख चित्रा एकदम से चुप हो गई। तभी वहाँ बाईसाराज आरती की थाली लेकर आई और ठाकुर मालिकसा को डांटते हुए बोली, बस करिए हमारी बिंदरी को परेशान करना, चलिए हटिए। उसके बाद वो चित्रा और अथर्व को देखते हुए बोली,
बच्चों चलो इधर आओ। वो दोनों उनके सामने आए, तब बायसाराज ने उनका गृह प्रवेश करवाया। उन दोनों ने अंदर आकर सबका आशीर्वाद लिया। फिर ठाकुर मालिक सा अथर्व से पूछते हुए बोले, छोरा ईब बता, यो किस तरिया हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट। अथर्व अब सबको स्वास्थ्य केंद्र की सारी बात बताने लगा, जिसे सुनकर सब हैरान थे कि वो सब चित्रा को उस बात के लिए कैसे सजा दे रहे थे जिसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। तभी अचानक ही यश बोल पड़ा, काकू सा आपको इन्हें बचाना ही था, तो आप इन्हें ऐसे भी बचा सकते थे, इसमें शादी कहाँ से आ गई? यश की बात सुनते ही सब अथर्व को सवालिया नजरों से देखने लगे, तो अथर्व अजीब सा मुंह बनाकर बोला, वो हम चित्रा जी को। चित्रा जी को क्या? धरा ने शरारती अंदाज में उससे पूछते हुए बोला। अथर्व अपनी नजरें अब सबसे चुराते हुए बोला, हम चित्रा जी को पसंद करते हैं। अथर्व की बात सुनकर ठाकुर मालिक सा उससे पूछते हुए बोले, अगर ऐसो बात थी तो तू छोरा हम सब ने बताता, हम सब तन्ने मना थोड़े ही करते। उद्धरण चिन्ह डॉट। अथर्व थोड़ी देर चुप रहा और फिर उन्हें देखते हुए बोला, काकू सा हमने भाईसा को बताया था, तब उन्होंने ही हमें ये करने के लिए कहा था। सब अथर्व की बातें सुनकर हैरान हो गए, तो निक्कू उससे पूछते हुए बोली, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था अथर्व? उद्धरण चिन्ह डॉट। अथर्व अब रणविजय की तरफ देखकर बोला, रणविजय भाईसा ने अथर्व के मुंह से अपना नाम सुनकर और साथ ही सबके आंखों में अपने लिए सवाल देखकर रणविजय एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला, कै बकवास कर रहा से तू, मन्ने थारे ते कब ऐसो करने वास्ते कहा से? उद्धरण चिन्ह डॉट। अथर्व उसे जवाब देते हुए बोला, आप जब चित्रा जी को छोड़ने गए थे उससे कुछ देर पहले ही तो हमारे कमरे में आए थे और तभी आपने ही हमें ये बोला था, आप इतनी जल्दी भूल गए क्या भाईसा? रणविजय उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोला, अरे बावले मन्ने थारे ते ऐसो, बस कीजिए, आप और कितना धमकाएंगे बेचारे को, ऐसी हरकतें सिर्फ आपके ही दिमाग से आ सकती हैं। निक्कू रणविजय को टोकते हुए बोली, तो रणविजय अपने मन में सोचने लगा, क्योंकि मारे घर के छोरे या तो अपना प्यार हासिल कर लेवे से, न तो वाने हासिल करने की कोशिश करे से, पर थारे तरिया ऐसो हाथ पर हाथ रख कर न बैठ जावे से। उद्धरण चिन्ह डॉट। फिर वो खुद से बोला, इस छोरे ने मन्ने अच्छा फसाया से, अपने किए धरे का बिल मारे नाम पर फाड़ दिया से। ये सोचते हुए उसने अथर्व को गुस्से से देखा, तो अथर्व अपनी आंखें छोटी करके इशारे से उसे बात संभालने के लिए बोलता है। रणविजय उसे देखकर वहां से चला गया। उसके बाद सब उन दोनों की बाकी की रश्में करवाने लगे और धरा गजरा और सांझी के साथ अथर्व का कमरा तैयार करने चली गई। इधर सजनी गुस्से में अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई थी। तभी निक्कू उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, सजनी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ अकेले बैठी हो, बाहर चलो, चित्रा और अथर्व की रश्में हो रही है। सजनी एकदम से खड़ी हुई और निक्कू पर उखड़ते हुए बोली, हमारी जरूरत क्या है, वो आपकी फेवरेट है, तो आप जाए और शामिल हो जाए। निक्कू उसके ऐसे बिहेवियर को देख एकदम से हैरान हो गई। निक्कू अब उसके पास आई और उससे पूछते हुए बोली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो सजनी, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो? सजनी निक्कू की बात सुनकर हंसते हुए बोली, आप थक नहीं जाती ये महान और संस्कारी बनने का नाटक करते करते, तुम ये कैसी बातें कर रही हो सजनी? निक्कू अब उस पर गुस्सा होते हुए बोली, तो सजनी भी अब सीरियस होकर उससे बोली, क्यों बुरा लग गया, आपको क्या लगता है कि आपके इरादे को कोई समझ नहीं पाएगा? पर हम समझते हैं, आप ये सब जानबूझकर करती हैं ताकि सब आपके कंट्रोल में रहे। पहले आप प्रार्थना काकीसा को लेकर आई जो आपके इशारों पर नाचे, फिर इस घर में धरा काकीसा आई जो पहले से ही आपकी परम भक्त है, और उसके बाद वो गौरी काकीसा ताकि सब आपसे दब कर रहे, क्योंकि प्रार्थना काकीसा के पिता तो धोखेबाज थे और गौरी काकीसा उनका तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अब तो आपने हद ही कर दी है, सिर्फ आपके कारण एक ऐसी लड़की जिसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, वो हमारे अथर्व काकुसा की पत्नी बनकर इस घर में आ गई है, वैसी लड़कियों को तो तड़ाक। सजनी अभी बोल ही रही थी कि अचानक से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिसके पड़ते ही वो अपने सामने खड़े इंसान को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। वहीं निक्कू अपनी नम आंखों से सजनी को देखते हुए एक तरफ खड़ी थी। क्या अथर्व का ये फैसला उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा? क्या सिक्कर के सब लोग अथर्व के इस फैसले को इतनी आसानी से मानेंगे? क्या रणविजय एकेडमी में जाकर अमन को निक्कू से दूर कर पाएगा? किसने सजनी को थप्पड़ मारा? आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 142 रणविजय की इज्जत का कचरा।
सजनी के सामने उसका पति ओमकार गुस्से में खड़ा उसे ही घूर रहा था। जिसे देखकर सजनी अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, आपने मुझे थप्पड़ मारा। ओमकार गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ हमने तुम्हें थप्पड़ मारा और शायद ये थप्पड़ हमें तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, ताकि तुम आज काकिसा से ऐसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती। उद्धरण चिन्ह डॉट। सजनी गुस्से में अब निक्कू पर ही भड़क गई और उसे देखकर गुस्से में बोली, आज तो आप बहुत खुश होंगी, क्योंकि आपके लिए अब तो सोने पर सुहागा हो गया है। आज तक हमारे जिस पति ने हमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उन्होंने आज सिर्फ आपके कारण हम पर हाथ उठा दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। पर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपकी ये कोई भी चाल हम पर काम नहीं करने वाली है। हमने कहा अब चुप करो। ओमकार ने सजनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। फिर ओमकार निक्कू की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, काकीसा हम सजनी की तरफ से माफी मांगते हैं, आप सजनी की बातें इसका बचपना समझकर भूल जाए और इसे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं ओमकार, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे सजनी की बातों का बुरा नहीं लगा। तुम बस सजनी से मेरे कारण झगड़ा मत करो। उसके बाद निक्कू वहाँ से चली गई। निक्कू के जाने के बाद ओमकार सजनी को समझाते हुए बोला, सजनी तुम बेवजह ही काकीसा पर गुस्सा कर रही हो, उन्हें भी तो हम सब की तरह ही इस बारे में पता नहीं था। और ये शादी, ये सब कुछ अथर्व काकूसा का फैसला है, वो ये शादी अपनी मर्जी से करके आए हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, तो अब हमें भी उनकी खुशियों में ही खुश होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। सजनी रोते हुए जाकर ओमकार के गले लग गई, तो ओमकार ने उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, सॉरी हमें माफ कर दो, हमें तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर सजनी ने अचानक ही उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और उसके बाद वो उसके गले लग गई। धरा अथर्व के कमरे में सारी तैयारियां कर अब रसोई की तरफ चली गई। जब वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर निक्कू पर पड़ी, जो अकेले कॉरिडोर में खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी, तो वो उसके पास चली गई। वो निक्कू के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जीजा। निक्कू ने जैसे ही धरा की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ गई। धरा उससे पूछते हुए बोली, जीजा आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? निक्कू हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं धरा, मैं बस ऐसे ही, चलो ना नीचे चलकर देखते हैं कि सारी रश्में हुई या नहीं। धरा को निक्कू की बात अजीब सी लगी। वही निक्कू वहाँ से जाने लगी तो धरा ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, आपको लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल पाएंगी? निक्कू धरा की बातें सुनकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, पर हाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना बताने में ही सबकी भलाई होती है, और कभी कभी जिंदगी और रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, तो हमें उसे मुस्कुरा कर उसे पार कर लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। धरा निक्कू की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में देखकर उससे पूछते हुए बोली, आप हमेशा ही खुद को सबसे बाद में क्यों रखती हैं? क्योंकि तुम जो हो मुझे आगे रखने के लिए तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। अब चलो, निक्कू उसे आंख मारते हुए बोली, जिसके बाद दोनों ही एक साथ हंसने लगी। उसके बाद वो दोनों हॉल में चले आए। उन्हें आते देख कुसुमलता उन दोनों को देखते हुए बोली, बिंद भी तुम दोनों जाओ और चित्रा को अथर्व के कमरे में छोड़ आओ। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद वो दोनों चित्रा के पास आई। धरा चित्रा के पास आकर एकदम से उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे आज तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आज रात को अथर्व खुद को रोक पाएगा। धरा की बातें सुनकर चित्रा ने शर्माते हुए अपनी नजरें एकदम से चुरा लिया और निक्कू धरा को हल्का सा मारते हुए बोली, चुप करो तुम, कुछ भी बोलती हो। फिर वो चित्रा को देखते हुए बोली, चित्रा चले। चित्रा ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही हाँ में अपना सर हिला दिया, तो वो दोनों उसे लेकर अथर्व के कमरे की तरफ चली गई। अथर्व के कमरे में आते ही धरा चित्रा को सब दिखाते हुए बोली, ये देखो चित्रा, आज से ये तुम्हारा कमरा है, मैंने तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर वो शरारती लहजे में बोली, अगर और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझसे मत कहना, वो तुम अब अपने पति परमेश्वर से कहना। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई, जिसे देखकर निक्कू हंसने लगी और चित्रा शर्मा गई। धरा के जाने के बाद निक्कू चित्रा को बैग पर बिठाकर उसे समझाते हुए बोली, आई नो चित्रा कि ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर सच कहूँ
तो तुम्हें अथर्व के साथ देखकर मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अथर्व तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। चित्रा बैठी ध्यान से निक्कू की बातें सुन रही थी। अब निक्कू उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो ये सच है कि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकती, मैं चाहूं तब भी नहीं, पर हाँ मुझे उसका अंदाजा है कि तुम पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी बीता है उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। निक्कू की बातें सुनकर चित्रा की आंखें छलक आई तो निक्कू उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम अब उस हर चीज को भूलने की कोशिश करो जो भी तुम्हें तकलीफ देते हैं, और अब तुम अपने इस रिश्ते पर अथर्व पर ध्यान दो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। तुम्हें अगर फिर भी ऐसा लगे कि तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो या तुम्हें वक्त चाहिए, तो तुम बेझिझक अथर्व से अपने मन की बात बोल देना। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है वो तुम्हारी हर बात हर भावना को समझेगा और हमेशा तुम्हारी खुशी का ध्यान रखेगा। निक्कू ने उसके बाद उसे गले लगाया और फिर उसके माथे को चूमकर उससे बोली, अब मैं चलती हूँ, अथर्व आता ही होगा। निक्कू उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चित्रा बैठी निक्कू की बातों के बारे में सोचने लगी। सारे सेखावत ब्रदर्स छत पर मौजूद थे, तभी वहाँ अथर्व सारी रश्में खत्म करके आया और रणविजय से पूछते हुए बोला, भाई साहब आपने हमें बुलाया। रणविजय उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूरते हुए देखने लगा। रणविजय को ऐसे अथर्व को घूरते देख रुद्र मुस्कुराते हुए धर्म के कान में धीरे से बोला, आज तो यो पक्का गया से। रुद्र की बात सुनकर धर्म और शिव हंसने लगे। रणविजय को ऐसे देखकर अथर्व घबराहट से सबके सामने हंसते हुए बोला, भाई साहब आप अपने ही तो कहा था तो फिर अब। रणविजय गुस्से में उसे देखते हुए बोला, अच्छा मन्ने थारे को यो करने वास्ते कहा था, मतलब शादी थारी लुगाई थारी सब थारा, पर वा का बील मारे नाम। पर घन ये चोखी बात से अथर्व थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, भाई साहब आपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हाँ क्यों ना, थारा घर बसाने वास्ते मैं अपने घर ने फूंक देऊं। रणविजय ने अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोला। अथर्व अब थोड़ा और पीछे होकर बोला, भाई साहब ये तो आप जानो। इतना कहते ही अथर्व वहाँ से एकदम से भागने लगा, जिसे देखकर रणविजय बाकी सबसे बोला, इसने जल्दी पकड़ो वरना मैं तुम सबने ना छोड़ने वाला सूं। और फिर रणविजय और बाकी सब उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। अथर्व उन सबसे बचते हुए इधर उधर हवेली में भाग रहा था। वो सब ऐसे ही पूरी हवेली में भाग रहे थे, तभी अथर्व के दिमाग में एक आइडिया आया और वो झट से भागते हुए रणविजय के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर वो सब भी उसके पीछे भागते हुए चले गए। निक्कू अपने कमरे में अलमारी में कपड़े रख रही थी, तभी वहाँ अथर्व भागते हुए आया और अचानक ही उसके पीछे छूटने लगा, जिससे निक्कू के हाथ में पकड़े सारे कपड़े जमीन पर गिर गए। निक्कू अथर्व को ऐसा करते देख उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, अथर्व ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी मासा हमें बचा लीजिए, अथर्व ने हाँफते हुए बोला। निक्कू उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई और उससे पूछते हुए बोली, बचा लूं पर किससे? अथर्व उसके सामने आकर बताते हुए बोला, वो भाई साहब हम ईब कटे भागेगा। रणविजय और बाकी सब भागते हुए आए कि निक्कू को वहाँ देखकर एकदम से शांत खड़े हो गए। वही अथर्व निक्कू के पीछे छूपकर बच्चों की तरह बोला, देखिए ना भाभी मासा, भाई साहब हमें मार रहे हैं क्योंकि हमने सबके सामने उनका नाम लिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू अथर्व की बात सुनकर उन सबको घूरने लगी तो एकदम से रूत रणविजय की तरफ से निक्कू की तरफ खड़े होकर बोला, भाभी सा मन्ने कुछ न किया से, मैं तो अट्ठे धराने ढूंढने वास्ते आया सू, ईब वा अट्ठे है ही ना, तो मैं चलता सू। इतना कहकर रुद्र वहां से सरपट गायब हो गया। रुद्र को ऐसा करते देख अब धर्म और शिव भी निक्कू की तरफ आकर बोले, हम तो यहां आपको गुड नाइट कहने आए थे। गुड नाइट भाभी सा, धर्म ये बोलकर वहां से चला गया तो शिव भी मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट। इतना बोलकर वो भी चला गया। अब कमरे में अथर्व निक्कू और रणविजय ही बचे थे। निक्कू अब रणविजय के सामने गई और उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती बेचारे को इतना परेशान करते हुए? एक तो पहले आपने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था और अब आप उसे सच बताने के लिए मार रहे हैं। रणविजय निक्कू को खड़ा बस घूरते हुए देख रहा था। निक्कू अब अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, अथर्व रात काफी हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ। पर भाभी मासा, अथर्व रणविजय को सामने देखकर घबराते हुए बोला। निक्कू उसकी बातें सुनकर अब रणविजय की तरफ देखते हुए अथर्व से बोली, अथर्व तुम जाओ, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है।
निक्कू के ऐसा बोलते ही अथर्व हिचकिचाते हुए वहां से निकल गया। रणविजय अथर्व के जाने के बाद निक्कू को देखते हुए बोला, घंगी मरोड़ ना चढ़ रही सी थारे में, आप अपना तकिया उठाए और कमरे से बाहर जाए। निक्कू भी रणविजय को वैसे ही घूरते हुए बोली। रणविजय अब हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांध कर बोला, तन्ने कहा और मन्ने मान लिया। निक्कू भी अब हाथ बांध कर बोली, आप तकिया लेकर जाएंगे या मैं अपना सामान लेकर कमरे से बाहर जाऊं। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय अब एकदम से अंदर से खींचते हुए बोला, यो गलत से, तू मन्ने स्त्रिया धमकी ना दे सकती से। निक्कू अब मुस्कुराते हुए बोली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिलहाल आप अपनी गलती की सजा भुगतिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय वहाँ से अपना मुंह लटकाए अपना तकिया लेकर जाते हुए बोला, मैं तन्ने छोड़ूंगा ना, तो मत छोड़िएगा। निक्कू ने इतना बोला और हंसते हुए एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। रणविजय बेचारा समूह बनाए कॉरिडोर से जा रहा था तो उसे ऐसे देखकर एकदम से वहीं खड़े रुद्र, धर्म और शिव हंसने लगे, जिसे देखकर रणविजय उन्हें तकिया मारते हुए बोला, तुम सब भाई ना हो, मारे दुश्मन हो, तभी तो मन्ने ऐसो वटके अकेले छोड़ दिया से। उद्धरण चिन्ह डॉट। रुद्र हंसते हुए बोला, भाई सा, जब हुकुम रानी सा के सामने खुद हुकुम सा की ना चले से, तो फिर हम सब कीवा के सामने गए बिसात से। सही कहा, तभी तो आप यहाँ हमारे सामने खुद अपना तकिया लिए अपने ही कमरे के बाहर है। धर्म ने भी अब हंसते हुए बोला। रणविजय उन सबको तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम सब कुछ ज्यादा ना बोल रहे से, चलो जाओ वरना तुम सबने मैं अभी उल्टा लटका देऊंगा। रणविजय की बात सुनकर वो सब वहां से हंसते हुए चले गए। रणविजय उनके जाने के बाद तकिया लिए कॉरिडोर से गेस्ट रूम में जाने लगा कि तभी रणविजय ने अपनी तरफ ठाकुर मालिक सा को आते हुए देखा तो झट से उसने तकिया अपने पीछे छुपा लिया और नजरें बचाकर वहां से जाने लगा। जब ठाकुर मालिक सा ने रणविजय को ऐसे जाते हुए देखा तो वो एकदम से उससे पूछते हुए बोले, तय हुआ छोरा, तू इतनी रात में अकथे कह कर रहा से। रणविजय उनकी बात सुनकर एकदम से रुक गया और अपने मन में सोचते हुए बोला, ईद तो हो गया मारी इज्जत का कचरा। उद्धरण चिन्ह डॉट। फिर वो मुड़कर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, तावसा वा, मैं थारे हाथ में कह है। ठाकुर मालिक सा उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ देखकर उससे पूछते हुए बोले। रणविजय उनसे नजरें चुराते हुए बोला, का कुछ भी तो ना है, तय होगा। रणविजय अभी बोल ही रहा था कि ठाकुर मालिक सा ने उसका हाथ आगे करके देख लिया और वो उसे देखकर हंसने लगे। रणविजय बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, तावसा आप भी मारा मजाक उड़ा रहे से। ठाकुर मालिक सा उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले, कोई ना छोरा, तू पहला ना से, यो दुनिया में हर पति ने वा की लू गाय, जिंदगी में एक ना एक बार जरूर कमरे से बाहर निकाले से। उद्धरण डॉट। उसके बाद वो भी वहां से हंसते हुए चले गए और रणविजय वहां से अपना मुंह लटकाए गेस्ट रूम में चला गया। चित्रा कमरे में सोफे पर खुद को समेटे बैठी हुई थी। उसे अथर्व के साथ एक कमरे में रहने को लेकर काफी घबराहट हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अथर्व के साथ अपने इस रिश्ते को कैसे शुरू कर पाएगी। वो इन्हीं सब उलझनों में उलझी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। अथर्व को देखते ही चित्रा ने घबराहट से अपनी नजरें उससे चुरा लिया। अथर्व ने जब चित्रा को ऐसे नजरें चुराते हुए देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। चित्रा लाल राजस्थानी लहंगे और नई नवेली दुल्हन के 16 श्रृंगार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखने से अथर्व खुद को रोक नहीं पा रहा था और फिर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अथर्व ने अब अपने कपड़े अलमारी से निकालकर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े चेंज करके आया और चित्रा के पास चला गया। अथर्व अब चित्रा के पास आकर बैठा गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोला, हम। चित्रा एकदम से वहां से उठ खड़ी हुई और अथर्व को देखते हुए बोली, मुखी जी, हम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, हमें कुछ वक्त चाहिए। अथर्व चित्रा की बात सुनकर एकदम से खड़ा हो गया और उसे शॉक्ड होकर देखने लगा। क्या सजनी चित्रा को स्वीकार करेगी? क्या चित्रा की बातें सुनकर अथर्व उससे नाराज हो जाएगा? क्या ये रिश्ता वो दोनों निभा पाएंगे? आज के लिए बस इतने ही। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 143 टीना का कॉल। चित्रा घबराई खड़ी अथर्व को देख रही थी कि अथर्व अब उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करेगा। वही अथर्व अब मुस्कुराते हुए बोला, आप हमेशा अपनी ही क्यों बोलती हैं? कभी हमारी भी तो सुन लीजिए। अथर्व की बात सुनते ही चित्रा ने एकदम से एम्बेरस होकर अपनी नजरें झुका लिया। अथर्व अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उससे बोला, हम ये बोल रहे थे कि अब हमें एक साथ पूरी जिंदगी रहना है,
तो अब आपको हमसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कुछ भी कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, चित्रा अथर्व को देखते हुए बोली। आप इतना सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? अथर्व उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए बोला, क्या आपको अभी भी हमसे इसका जवाब चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? चित्रा अथर्व की आंखों में अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर उसमें देखती ही रह गई और फिर उसकी आंखें भर आई। अथर्व उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जितना आपको रोना था आप रो चुकी है, पर अब नहीं, आप तक किसी भी मुसीबत को या तकलीफ को पहुंचने से पहले हमसे गुजरना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। आप चलिए आराम कर लीजिए। चित्रा को अथर्व ने बेड पर बिठाया और खुद तकिया लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर चित्रा उससे पूछते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट अथर्व उसे जवाब देते हुए बोला, हम सोफे पर सो रहे हैं, आप आराम से बेड पर सो जाइए। चित्रा उसकी बात सुनकर बेड से उतर गई और उसके पास आकर बोली, नहीं, आप सोफे पर कैसे सोएंगे? ये तो आपसे छोटा है और आपके सोने लायक भी नहीं है। आप हमारे कारण ऐसा मत कीजिए, आप बेड पर सो जाए, हम यहाँ सो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट अथर्व अपने हाथ बांधते हुए बोला, आपको क्या लगता है हम इतने बुरे हैं जो एक लड़की को सोफे पर सुला कर हम खुद बेड पर आराम से सो जाएंगे? चित्रा भी अपने हाथ बांधते हुए बोली, हम भी आपको ऐसे यहाँ सोने नहीं दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। तो फिर हम दोनों पूरी रात ऐसे ही खड़े रहते हैं? अथर्व ने मजाकिया अंदाज में बोला। तो चित्रा अपना मुंह बनाकर उसे देखने लगी और फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो तुरंत ही दौड़कर बेड पर गई और सारे तकियों से उसने बेड के बीच में एक बाउंड्री बना दिया। अथर्व हैरान खड़ा उसे ये सब करते हुए देख रहा था। तो जब चित्रा ने उस बाउंड्री को बना लिया, तब वो अथर्व की तरफ देखकर बोली, हम दोनों में से किसी को भी अब सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, आप बेड की दूसरी तरफ आकर सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट अथर्व उसे देखकर पूछते हुए बोला, आर यू श्योर? जी, चित्रा ने अपना सरहा में हिलाकर बोला। तो अथर्व अब अपना तकिया लेकर दूसरी तरफ चला गया और फिर दोनों अपनी अपनी तरफ लेट गए। चित्रा कुछ देर तो ऐसे ही लेटे हुए छत की तरफ देखती रही और फिर वो अथर्व की तरफ अपना चेहरा कर उसे सोते हुए देखने लगी। मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया, कैसे ये बंधन, कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन। अब अथर्व भी उसी की तरफ मुड़ गया और उसे देखने लगा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कोष्टक डॉट मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया, कैसे ये बंधन, कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन, मैं दीवानी बन गई, तुमने ऐसा क्या किया, मेरी नींदें लूटी ली, चैन भी मेरा लिया, मेरा दिल मेरी जान हो, तुम अभी नादान हो, इश्क से अनजान हो, मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन, प्यार कहते हैं किसे, होता है ये दर्द क्या, आज पहली बार ये मैंने जाना दिलरुबा, जागी जागी सो गई, किस जहां में खो गई, क्या से क्या मैं हो गई, मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन, ना जाने जुड़ गया, कैसे ये बंधन, कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों, तुम्हें चाहे मेरा मन हो मेरा मन। धरा का रूम। धरा निक्कू को परेशान देखने के बाद उसी बारे में शीशे के सामने खड़ी अपने गहने निकालते हुए सोच रही थी, तभी कमरे में रुद्र आया और दरवाजा बंद करके अपने कपड़े चेंज करने लगा। रुद्र ने जब धरा को परेशान देखा तो वो उससे पूछते हुए बोला, तय हो गया तन्ने, जो तू परेशान दिख रही से। धरा अपना मुंह लटकाए हुए बोली, वो जीजा परेशान है। उद्धरण चिन्ह डॉट रुद्र अपना मुंह अजीब सा बनाकर उससे पूछते हुए बोला, भाभी सा वाई किस वास्ते परेशान से। धरा अब रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं रुद्र, मैंने उनसे पूछा भी था पर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्र अब मुंह बनाकर बोला, जब वह बोल रही से कि कोई बात ना है तो ना होवेगी, तो तू इसमें परेशान क्यों हो रही से। पर रुद्र धरा कुछ बोलने को हुई थी कि रुद्र ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे धरा चुप हो गई। रुद्र ने अब धरा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, तू हमेशा अपनी जीजा और अपने काम के पीछे रहवे से, और अगर वा से थारा वक्त बच जावे हैं तो तू घर के लोगों पर ध्यान देवे से, पर मारा कहे तू मारे पर तो कभी ध्यान ही कोनी देवे से। उद्धरण चिन्ह डॉट धरा उसकी बातें सुनकर एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और उसका सर छूकर देखने लगी, तो रुद्र हैरान होकर उससे बोला, यो तू कह कर रही से। धरा अपना मुंह बिचकाते हुए बोली, मैं ये देख रही हूँ
कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई ना रूद। रूद धरा की बातों से कंफ्यूज होकर बोला, क्या, पर क्यों, मन्ने कह होवेगा। धरा उसे देखते हुए बोली, क्योंकि नॉर्मली मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। धरा की बात सुनकर रूद ने एकदम से उसे किस कर लिया, जिससे धरा अचानक ही हैरान हो गई और झटके से उसे खुद से दूर करके बोली, रूद तुम ये क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट। रूद धरा के ऐसे झटके से हटाने से मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गया, जिसे देखकर धरा को लगा कि वो ऐसे ही बैठा हुआ है और थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, पर रूद वैसे ही बैठा रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट। धरा उसे ऐसे बैठे देख उसके पास आई और उसके कंधे पर अपनी उंगली से छूते हुए बुलाने लगी, पर रूद ने उसे इग्नोर कर दिया। तब धरा उसके बगल में बैठ गई और अपनी कोहनी से उसे हल्का सा मारकर बुलाने लगी, तो रूद ने उसे इरिटेट होकर देखा। धरा रूद के देखते ही उसे स्माइल करते हुए देखने लगी, तो रूद एकदम से उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसकी तरफ बढ़ा ही रहा था कि उसे धरा का उसे पीछे हटाना याद आ गया, तो वो फिर से अपना मुंह फुलाकर बैठ गया। कुछ पल बाद फिर रूद ने धरा की तरफ देखा, तो धरा उसे ही देख रही थी, तो इस बार रूद मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया और उसे किस करने लगा। इस बार धरा भी उसका साथ दे रही थी और फिर रूद ने किस करते हुए ही धरा को बेड पर लिटा दिया। धरा शर्माते हुए रूद को देख रही थी। रूद ने अब अपना कुर्ता उतारा और धरा की तरफ बढ़ गया। रूद को अपने करीब आते देख धरा की धड़कने बढ़ने लगी थी, तो वो शर्माकर दूसरी तरफ मुड़ गई। रूद ने पहले उसके कंधे पर किस किया, जिससे धरा सिहर गई। फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर रूद ने पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके गाल और फिर उसके होंठों को। धरा बस आंखें बंद किए हुए रूद के स्पर्श को महसूस कर रही थी। रूद ने अब अपना हाथ बढ़ाया और उसके ब्लाउज की डोरी खींचकर खोल दी और एक तरफ से उसका ब्लाउज हल्का नीचे सरका दिया, जिससे धरा का कंधा नजर आने लगा। रूद ने अब झुककर उसके कंधे को चूमना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वो उसके गले तक पहुंचा और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। धरा ने रूद के स्पर्श से बेचैन होकर उसे अपने बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में पूरी तरह से खो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए काफी देर बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए। आज रणविजय कमरे में नहीं था, तो निक्कू आराम से पढ़ रही थी, तभी आधी रात को उसका फोन अचानक ही बजने लगा, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई और हाथ में अपना फोन लेकर सोचते हुए बोली, इस वक्त किसका फोन आ सकता है। यही सोचकर उसने फोन उठाते हुए बोला, हेलो। काफी देर के बाद दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आई, निक्कू। इस आवाज को सुनते ही निक्कू उसे झट से पहचान गई और एकदम से बोल पड़ी, टीना, ये तुम हो ना। दूसरी तरफ से टीना ने निक्कू को जवाब देते हुए बोला, हाँ ये मैं ही हूँ। ओ माय गॉड टीना, तुम अब तक कहाँ थी। मैं जब दिल्ली आई थी तब मुझे वहाँ से पता चला कि मेरे जाने के एक हफ्ते बाद तुमने भी ऑफिस छोड़ दिया और तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। तुम अचानक कहीं गायब हो गई, तभी मैं तुम्हारे लिए अपना नया नंबर छोड़कर आई थी और तुम अब जाकर इतने महीने बाद मुझे फोन कर रही हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी और तुम हो कि पता नहीं कहां जाकर सबको भूल गए। निक्कू नॉनस्टॉप बस उससे सवाल पूछे ही जा रही थी कि टीना ने उसे रोकते हुए बोला, निक्कू। टीना की आवाज सुनकर निक्कू एकदम से रुक गई और उससे पूछते हुए बोली, हाँ टीना बोलो। टीना कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मैं अमेरिका में हूँ। बॉट, पर कब, कैसे और क्यों, निक्कू एकदम से हैरान होकर उससे पूछते हुए बोली। टीना उसे बताते हुए बोली, तुम सही थी, तुम हमेशा से ही सही थी। तुम्हारे जाने के दो दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब मैंने ये बात रोहित को बताई तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने से साफ इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या उसने मना कर दिया फिर तुम ये सब, निक्कू टीना के लिए परेशान होकर बोलते हुए अचानक रुक गई, जिसे देखकर टीना आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, ये मेरा बच्चा है, इसीलिए मैंने इसे अकेले ही इस दुनिया में लाने का फैसला किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू उसकी बात सुनकर उससे पूछते हुए बोली, पर तुम्हारे इस फैसले के बाद अंकल आंटी ने क्या कहा, वो तुमसे बहुत नाराज हुए होंगे ना। तुमने उन्हें कैसे मनाया। वो नहीं माने इसीलिए मैंने वो अमेरिका वाली जॉब ऑफर के लिए हाँ कह दिया और अमेरिका चली आई, टीना ने निक्कू को जवाब देते हुए बोला। क्या इसका मतलब तुम, निक्कू एकदम से हैरान होकर बोली, तो टीना उसे बताते हुए बोली, हाँ उसी के पेपर वर्क के लिए मैं वापस घर चली गई थी और अब कुछ दिनों में ही मेरी डिलीवरी होने वाली है। उसी को लेकर मुझे घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूं।
टीना, तुम ठीक हो ना? निक को उसकी बातें सुनकर उसके लिए परेशान होकर बोली, तो टीना अब मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, और अब मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुमने उस लेटर में लिखा था तुम्हारी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई है, वो भी एक राक्षस जैसे इंसान से, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू टीना की बात सुनकर सोचते हुए बोली, हो गई शादी और यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तो तुमने जीजू को राक्षस क्यों लिखा था, बोलो बोलो? टीना अब शरारती लहजे में उससे पूछते हुए बोली, तो निक्कू ने उसे सब कुछ बता दिया। निक्कू टीना की बातें सुनकर रणविजय के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, इन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, पर जो भी हो आई लव हिम। टीना निक्कू की बात सुनते ही एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, ओ माय गॉड, जीजू ने आखिर कर दिखाया, तुझे उन्होंने अपना दीवाना बना ही दिया, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम, जो लड़की प्यार के नाम से ही चिढ़ जाती थी वो आज ऐसी बातें कर रही है। तुम चुप करो, निक्कू शर्माते हुए बोली, जिसे सुनकर टीना चाहते हुए बोली, मेरी भी बात जीजू से करवाना, मुझे भी उनसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू उसे बताते हुए बोली, वो अभी कमरे में नहीं है। क्या, पर क्यों, मतलब वो इतनी रात में कहाँ गए हैं? टीना हैरान होकर उससे पूछने लगी। निक्कू उसे जवाब देते हुए बोली, मैंने उन्हें कमरे से निकाल दिया है, तो अपना मुंह फुलाकर किसी और कमरे में सो रहे हैं। टीना निक्कू की बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या तूने उन्हें कमरे से निकाल दिया और जीजू ने कुछ नहीं कहा? नाइस, अच्छा चल अब मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। निक्कू भी उसकी चिंता करते हुए बोली, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, बाय बाय। टीना ने इतना बोलकर फोन कट कर दिया और निक्कू बैठी टीना के बारे में सोचने लगी। सुबह का वक्त, निक्कू अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई थी और अपने बाल टॉवल से सूखा रही थी। निक्कू ने अभी सिर्फ लाल रंग का लहंगा और ब्लाउज पहन रखा था, जिसकी डोरी अभी खुली हुई थी। निक्कू ने अब टॉवल साइड में रखा और अपनी चूड़ियां पहनने लगी कि तभी अचानक से रणविजय ने उसे अपने बाहों में पीछे से भर लिया। निक्कू रणविजय के ऐसे अचानक कमरे में आने से थोड़ा डर गई, पर फिर वो अपना मुंह बनाकर उसे शीशे से घूरते हुए बोली, आप कभी सुधर नहीं सकते ना? रणविजय उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर उसे शीशे से देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जय वक्त मारी गलती को नी। अच्छा तो किसकी गलती है? निक्कू उसे घूरते हुए बोली। रणविजय ने अपना सर थोड़ा ऊपर किया और मुस्कुराते हुए बोला, थारी, क्योंकि जब भी मैं तन्ने लाल रंग में देखूं सूं, मैं खुद ने रोकना पाऊं हूं और यो लाल रंग पहन कर तन्ने ही मारे को अपने पास बुलाया से। रणविजय ने इतना बोलकर एकदम से निक्कू के गले पर किस कर दिया, जिससे निक्कू की आंखें शोक से बड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाती इससे पहले रणविजय ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर किस कर लिया। निक्कू उसे खुद से दूर करके उसे घूरते हुए बोली, अब्बा। निक्कू बोल ही रही थी कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा कोई बाहर से खटखटाने लगा, तो रणविजय दरवाजा खोलने चला गया और निक्कू ने जल्दी से अपना दुपट्टा ले लिया। रणविजय ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पर धर्म था। दरवाजा खुलते ही धर्म रणविजय से एकदम से बोल पड़ा, भाई सा एक गड़बड़ हो गई है, आपको अभी हमारे साथ सभा भवन चलना होगा। इतना कहकर उसने रणविजय को एक कागज दिया, जिसे देखते ही रणविजय के चेहरे पर साफ परेशानी नजर आने लगी। क्या है उस कागज में जो धर्म ने रणविजय को दिया है, और अब क्या गड़बड़ हो गई है जिसके लिए रणविजय को इतनी सुबह सभा भवन जाना पड़ेगा? अब कौन सी मुसीबत आ गई है रणविजय के सामने? आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 144 सभा भवन। निक्कू रणविजय और धर्म को ऐसे परेशान देख उनके पास आई और उन दोनों से पूछते हुए बोली, क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? निक्कू का सवाल सुनकर धर्म उसे बताते हुए बोला, भाभी सा वो कुछ खास ना हुआ, तू चिंता कोनी कर, रणविजय ने एकदम से धर्म की बात काटते हुए बोला, जिससे निक्कू उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पर कोई बात तो जरूर है, तभी तो आप दोनों इतने परेशान लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोला, कुछ ना हुआ, मैं संभाल लेऊंगा। उसके बाद वो उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए अपनी आंखों को झुका कर रणविजय ने उसे इशारा किया और फिर धर्म से बोला, धर्म मारे साथ चल। धर्म रणविजय के पीछे पीछे वहां से चला गया। उन दोनों को जाते हुए देख निक्कू अपने मन में सोचते हुए बोली, अब क्या हो गया कान्हा जी, पहले ही इतना कुछ हो चुका है। फिर वो तैयार होने चली गई। सभा भवन। रणविजय धर्म के साथ जब सभा भवन पहुंचा, तब वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी,
जिसे देखकर ही रणविजय को लोगों के गुस्से का अंदाजा हो गया। वो सीधे अंदर चला आया। जब वो अंदर पहुंचा तब वहां पहले से ही जशवंत, तेज प्रताप और गजकेसरी मौजूद थे। रणविजय को आते देख वो तीनों उसके पास चले गए और जशवंत रणविजय से पूछते हुए बोला, हुकुम सा, आपने कुछ सोचा इसका क्या हल निकालना है, क्योंकि इस बार इन्हें समझा पाना मुश्किल लग रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय थोड़ा सोचते हुए बोला, मन्ने कुछ समझ ही न आ रहा से, अथर्व ने इतने अचानक क्यों कर दिया कि मन्ने कुछ सोचने का वक्त ही ना मिला। पर हम सबने जय बात का कोई हल तो निकालना पड़ेगा। गजकेसरी अब सोचते हुए बोला, हल ना फरमान सुनाया से सबने, वा भी अथर्व ने मुखी से हटाने का। तेज प्रताप उनके बीच में उन्हें टोकते हुए बोला, तो धर्म भी उन्हें बताते हुए बोला, इस बार सिर्फ अथर्व ही नहीं लोगों के निशाने पर खुद भाईसा है, उन्हें इस बार सबसे ज्यादा सवाल और गुस्सा भाईसा से ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय इस बारे में सोचते हुए बोला, मन्ने जय वक्त अपनी ना अथर्व की चिंता हो रही से, क्योंकि मन्ने तो यो सब की आदत से परवा वा के वास्ते तो यो सब नया से। रणविजय की बात सुनकर गजकेसरी के मन में अचानक से एक ख्याल आया, तो वो उसे पूछते हुए बोला, क्या यो बात अथर्व और ठाकुर मालिकसा ने पता से। उद्धरण चिन्ह डॉट। रणविजय उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ना इतनी सुबह सुबह मन्ने वा दोनों ने परेशान करना ठीक को नहीं लगा, पहले हम सब यो मामला समझ लेवे, वा के बाद उन दोनों ने भी बता देवेंगे। ठीक है, तो पहले हम ही सबसे बात कर लेते हैं, जशवंत ने उनकी बात समझते हुए बोला। उसके बाद वो सब बाहर सबसे मिलने के लिए चले गए और धर्म वहां की सारी तैयारियां देखने लगा, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो जाए। हवेली। चित्रा जब सुबह तैयार होकर नीचे आई, तब सब पूजा की ही तैयारी कर रहे थे। बाईसाराज ने जब चित्रा को मंदिर की तरफ आते हुए देखा, तो वो उसे बुलाते हुए बोली, आओ बिंदरी। चित्रा हिचकिचाते हुए वहां आई और सजनी के बिल्कुल बराबर में खड़ी हो गई। निक्कू ने जब चित्रा और सजनी को साथ साथ खड़े देख, तो उसे अचानक से ही रात की सजनी की कई बातें याद आ गई। पहले आप प्रार्थना का किस्सा को लेकर आई, जो आपके इशारों पर नाचे, फिर इस घर में धरा का किस्सा सा आई, जो पहले से ही आपकी परम भक्त है, और उसके बाद वो गौरी का किस्सा, ताकि सब आपसे दबकर रहे, क्योंकि प्रार्थना का किस्सा के पिता तो धोखेबाज थे और गौरी का किस्सा उनका तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अब तो आपने हद ही कर दी है, सिर्फ आपके कारण एक ऐसी लड़की जिसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, वो हमारे अथर्व काकुसा की पत्नी बनकर इस घर में आ गई है, वैसी लड़कियों को तो। जिसको याद करते ही निक्कू को घबराहट होने लगी कि कहीं सजनी चित्रा पर भी अपना गुस्सा ना निकल दे, तो वो चित्रा को देखते हुए बोली, चित्रा जी जीजा। चित्रा निक्कू की आवाज सुन उससे पूछते हुए बोली। निक्कू मुस्कुराकर उससे बोली, आओ आरती करो। निक्कू की बात सुनते ही चित्रा हैरानी से उसे देखने लगी, तो धरा उसे ऐसे देखकर बोली, जाओ। चित्रा अब हिचकिचाते हुए बोली, हम कैसे। उद्धरण चिन्ह डॉट। बाईसाराज उसकी बात सुनकर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हमारे घर का नियम है कि शादी के बाद आरती घर की नई बिंदली करती है। हाँ हाँ कर लो चित्रा, पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले, प्रार्थना एकदम से बोल पड़ी। प्रार्थना की बात सुनकर सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, तभी वहां अथर्व भी आ गया और प्रार्थना की बातों को उसने भी सुन लिया, तो वो उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मतलब क्या है आपका भाभी सा। उद्धरण चिन्ह डॉट। प्रार्थना एकदम से उसे जवाब देते हुए बोली, वो क्या है ना देवर सा, हमारी जीजा हुकुमरानी सा है, तो उनके रहते किसी और को आरती करने का मौका भला कहाँ ही मिलता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। प्रार्थना की बात सुनकर निक्कू अपने एक हाथ में आरती की थाली लिए हुए आई और दूसरे हाथ से उसका कान पकड़ते हुए बोली, क्या बोला तुमने, मैंने कब मना किया किसको आरती करने से, उल्टा तुम सब मुझसे जबरदस्ती रोज सुबह आरती करवाती हो। जीजा लग रही है। प्रार्थना अपने कान पर हाथ रखकर दर्द से करहाते हुए बोली। वही गौरी निक्कू की बातों का जवाब देते हुए बोली, क्योंकि आप हम सबसे बड़ी है, तो सबसे पहला हक आपका बनता है जीजा। गौरी की बातें सुनकर निक्कू ने प्रार्थना का कान छोड़ दिया और उसे देखने लगी, तो अब प्रार्थना और धरा भी उसके पास आई और उसे साइड से गले लग गई। फिर अब धरा बोली, जब आप है तो हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू उन सबको देखते हुए अब थोड़ा झूठा गुस्सा करते हुए बोली, ठीक है अब चलो हटो। वो दोनों निक्कू की बात सुनते ही हट गई। तब निक्कू चित्रा को आरती की थाली देते हुए बोली, चित्रा ये लो और आरती शुरू करो। चित्रा ने हिचकिचाते हुए निक्कू के हाथ से थाली लिया और आगे जाकर घबराते हुए आरती करना उसने शुरू किया। वहीं अब घर के सभी लोग वहां आ गए थे। आ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आ रे रे म गगरे नी रे गम प ध पग गम अपनी सा गम गगरे मगरे सा जन जन की पूंजी पाए, जन जन की पूंजी पाए जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आ खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धिमता धेरे ना धेरे रे रे ना धेरे रे ना धेरे सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्क हर्क जस गायो, पायो जी मैंने हर्क हर्क जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आरती खत्म कर चित्रा ने सबको आरती दिया और उसके बाद सभी बड़ों से आशीर्वाद ले लिया और वहीं निक्कू सबको प्रसाद दे रही थी। बाईसाराज निक्कू से प्रसाद लेकर चित्रा से बोली, बिंदरी चलो हमारे साथ, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो हम तुम्हें सब समझा दें। चित्रा उनकी बात सुनकर उनके साथ चली गई और फिर सब धीरे धीरे वहां से प्रसाद लेकर चले गए। अब आखिर में वहां ओंकार था तो निक्कू ने उसे भी प्रसाद दिया और वहां से जाने लगी कि ओंकार उसे रोकते हुए बोला, काकी सा। निक्कू उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और उससे पूछते हुए बोली, हाँ क्या हुआ ओंकार? उद्धरण चिन्ह डॉट ओंकार निक्कू से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, काकी सा वो कल रात, उसे मैं रात को ही भूल गई, तो तुम भी उसे भूल जाओ और सजनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसे अच्छा लगेगा। निक्कू ने ओंकार की बात बीच में ही काटकर मुस्कुराते हुए बोला। ओंकार निक्कू की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू काकीसा सा। निक्कू हंसते हुए उससे बोली, हम एक फैमिली है तो इसमें ये सब चलता रहता है, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट ओंकार निक्कू की बातों पर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हमें हिलाकर वहां से चला गया तो निक्कू भी रसोई की तरफ चली आई। सभा भवन रणविजय गजकेसरी जशवंत और तेज प्रताप वहां बैठे हुए थे और सब लोग वहां खड़े हुए थे, तभी वहां अवतार भी आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वहां आज आदमी और औरतें सब आए हुए थे तो जब उन्होंने वहां अवतार को देखा तो सबने अपना मुंह बिचक लिया, जिसे देखकर अवतार थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। रणविजय ने जब अवतार को ऐसे देखा तो वो उससे इशारे से पूछने लगा, जिस पर अवतार ने उसे अपनी आंखों की पलकें झपकाकर सब ठीक होने का इशारा किया। रणविजय अब अपने हुकुम सा के एटीट्यूड में उन सभी लोगों को देखकर उनसे सख्त आवाज में बोला, तो ई थम सब मन्ने एक एक कर बताओ कि थम सब ने कई परेशानी से। उद्धरण चिन्ह डॉट रणविजय के ये बोलने के बाद एक आदमी हंसते हुए रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, हाँ आज तो कमाल ही हो गया, हमारे हुकुम सा बिना हुकुम रानी सा के यहाँ आ गए और हमारी परेशानी भी जानना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह वरना जब से इनकी शादी हुई है ये सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। उस आदमी की बात सुनकर रणविजय और बाकी सबको बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अभी खुद को कंट्रोल किए बैठे थे। गजकेसरी सख्ती से उससे बोला, हम सब अट्ठे थम सब की परेशानी जानने आए से न कि बकवास, तो सब अपनी परेशानी बताओ। उद्धरण चिन्ह डॉट अब सब एक एक कर आगे आकर अपनी बात बताने लगे। पहले एक बुढ़ा आदमी आगे आया और उन सबको देखते हुए बोला, हुकुम सा हम जानते हैं कि हमारे मुखी सा आप और हुकुमरानी सा सभी ने ख्याल के हैं, पर परंपरा और संस्कार नाम की भी एक चीज होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह पहले अवतार मुखी सा ने हर बात को नजरअंदाज करके एक नाचने वाली से शादी कर लिया और अब अथर्व मुखी सा ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो अब किसी की भी पत्नी बनने लायक ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह हमें नहीं लगता है कि हमें इन सभी बातों को ऐसे नजरअंदाज करना चाहिए। आपको अथर्व मुखसा के लिए कोई फैसला लेना होगा, या तो वो उस डॉक्टर को छोड़ दे या फिर इस मुखी नाम को। उद्धरण चिन्ह डॉट अपनी बात बोलकर वो आदमी पीछे हो गया और अब एक बूढ़ी औरत आगे आई और अपनी मन की बात बोलने लगी, हुकुम सा आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। पहले लुगाया घर परिवार संभालती थी, उनका काम परिवार की देखभाल और वंश आगे बढ़ाना था, पर अब आपने हुकुम रानी सा को घर संभालने की जगह
पढ़ने की आज़ादी दे दिया, जिस कारण वो लाज लिहाज सब भूल गई है। वो बिंदरी होने के बावजूद भी छोरियों जैसे घूमती है, वो ना सर पर पल्लू रखती है और ना ही आंखों में शर्म। जहां बिंदनियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, वहां वो बेबाक होकर सबके सामने अपनी आवाज़ उठाती रहती है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। उन्हीं के कारण उस डॉक्टरनी की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे घर की बिंदनियों को भड़का सके। हुकुमरानी सा अगर उसे बढ़ावा नहीं देती तो बात इतनी कभी बिगड़ती ही नहीं। हुकुमरानी सा हमेशा से ही नियम और मर्यादाओं को तोड़ती आई है। वो उस डॉक्टरनी और रंगदली की नाचने वालियों के साथ अक्सर हमें दिख जाया करती है। औरतें तो औरतें मर्दों के साथ भी हमें दिख जाती हैं, पहले उसे सीपी के साथ और अब कर्मवीर के भाई अधिराज के साथ। आपको मुखीसा के पहले उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लुगाई है, तो उन्हें आपसे बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। वो औरत अपनी बात बोलकर पीछे चली गई। फिर एक और औरत आगे आई और बोली, जब से आप हुकुम सा बने हैं पता नहीं क्यों यहाँ उल्टी धारा ही बहने लगी है। जो विधायक सा उस नाचने वाली से नफरत करते थे, उन्हीं ने उस नाचने वाली से शादी कर ली। फिर वो अवतार की तरफ देखकर उससे पूछते हुए बोली, मुखीसा शादी करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस नाचने वाली का कितने मर्दों के साथ रिश्ता रहा होगा, कितनों के साथ वो रात को सोई हुई होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। उस औरत की बात सुनकर सबका गुस्से से खून खोल रहा था, पर वो सब अभी कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब अभी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे। वो उन सबकी पूरी बात सुने बिना कोई फैसला या फिर उनकी बातों को सुनने से मना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही सभी लोग बारी बारी आगे आकर अथर्व को मुखी से हटने के लिए तो वही निक्कू का पढ़ना बंद करवाने के लिए बोल रहे थे। सब निक्कू, सुनहरी और चित्रा के बारे में अनर्गल बातें भी कर रहे थे, जिसे सुन सुनकर रणविजय और बाकी सबकी सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी। हवेली, सब नाश्ता करने बैठे थे कि ठाकुर मालिक सा वहां रणविजय और धर्म को ना देखकर निक्कू से पूछते हुए बोले, बिंदरी यो बावला कट थे से नाश्ता करने क्यों ना आया से। निक्कू उन्हें जवाब देते हुए बोली, वो तो सुबह ही धर्म भाईसा के साथ कहीं बाहर चले गए हैं, वो कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अथर्व हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, जरूर किसी और को अपनी सलाह देने गए होंगे, जैसे उन्होंने हमें दिया था। निक्कू उसकी बातें सुनकर एकदम से उसका कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा कल तुम्हारे झूठ पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे कुछ भी बोल सकते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। भाभी मासा हमें दर्द हो रहा है, हमारा कान छोड़ दीजिए। अथर्व बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर बोला तो निक्कू ने उसका कान छोड़ दिया। निक्कू के कान छोड़ते ही अथर्व अपना कान सहलाते हुए बोला, मतलब भाभी मासा आपको पहले से पता था, तो आपने भाईसा को डांट क्यों लगाई। निक्कू अथर्व की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पता चल गया था और मैं उन्हें डांट नहीं रही थी, बस थोड़ी सी उनकी टांग खींच रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट। निक्कू की बातें सुनकर कान्हा अपने भोलेपन में उससे पूछते हुए बोला, मासा बापू सा तो पहले ही आपसे इतने ज्यादा लंबे हैं, तो फिर आप उनकी टांग खींचकर और लंबा क्यों करना चाहती हैं। कान्हा की बातें सुनकर सब हंसने लगे, वहीं निक्कू उसे अजीब नजरों से देखने लगी। कुछ देर बाद निक्कू तैयार होकर एकेडमी चली गई और बाकी सब भी अपने कामों में लग गए। शाम का वक्त, सभा भवन। रणविजय को सबकी बातें सुनते सुनते अब शाम हो गई थी, तो रणविजय सोचते हुए सबसे बोला, मैं यो बात का फैसला कल करूंगा, तब तक मन्ने कहीं भी कैसो भी बवाल ना चाहिए से। रणविजय की बातें सुन सब वहां से चले गए। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान रणविजय और अवतार ही थे। वो दोनों अपना मुंह बनाए खामोश बैठे हुए थे। उन सब के जाने के बाद गजकेसरी रणविजय के पास आकर उससे पूछते हुए बोला, रणविजय तू ठीक से ना। रणविजय वहां से बिना जवाब दिए चला गया, जिसे देखकर जशवंत उसके लिए परेशान होकर बोला, आज जो भी सबने बायसा के बारे में कहा है, उसके बाद पता नहीं रणविजय खुद को कैसे संभालेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। डर तो हमें भी लग रहा है भाईसा के लिए, तभी वहां धर्म आते हुए बोला, तो सब इसे बारे में खड़े सोचने लगे और फिर कुछ देर बाद वहां से चले गए। अवतार का घर। सोना सुबह से ही उस सभा के बारे में सुनकर बेचैनी से अवतार के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अवतार की गाड़ी की आवाज बाहर से आते हुए सुनी, वो झट से दौड़कर बाहर चली गई। जब वो बाहर आई, तब अवतार बस अपनी गाड़ी से बाहर ही निकला था। उसने जैसे ही सोना को बाहर आते हुए देखा, वैसे ही उसने अपनी नजरें उससे चुरा ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। सोना उसके साथ साथ अंदर आते हुए उससे पूछते हुए बोली, वहां क्या हुआ, सब ठीक है ना, सभी लोग अथर्व मुखीसा से ज्यादा गुस्सा तो नहीं थे ना, वो सब उनके रिश्ते के लिए मान गए ना।
उद्धरण चिन्ह डॉट सोना के सवाल सुन अवतार के कदम एकदम से रुक गए और वो सोना की तरफ एकटक देखने लगा। जब हवेली में सबको इस सभा के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या रणविजय अथर्व को मुखी से हटा देगा? क्या रणविजय निक्कू का पढ़ना बंद करवा देगा? क्या फैसला होगा रणविजय का? क्या जवाब देगा अवतार सोना के सवालों का? आज के लिए बस इतने ही। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 145 रणविजय का गुस्सा। सोना अवतार को ऐसे अपनी तरफ देखते देख उससे पूछते हुए बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोना को देखकर अवतार को उसके बारे में कहीं उन लोगों की बातें याद आ गई। जब से आप हुकुम सा बने हैं पता नहीं क्यों यहाँ उल्टी धारा ही बहने लगी है। जो विधायक सा उस नाचने वाली से नफरत करते थे उन्हीं ने उस नाचने वाली से शादी कर ली। मुखी सा शादी करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस नाचने वाली का कितने मर्दों के साथ रिश्ता रहा होगा, कितनों के साथ वो रात को सोई हुई होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट वो सब याद आते ही वो एकदम से जाकर सोना के गले से लग गया। अवतार की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोना ऐसे अवतार के गले लगने से उसके लिए परेशान होते हुए बोली, आप ठीक तो है? अवतार बिना कुछ बोले बस उसे जोर से अपने गले लगाए खड़ा रहा। कुछ देर बाद अवतार अपने आंसू पोंछकर उससे अलग हुआ और खुद को संभालते हुए बोला, हम चेंज करके आते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अवतार को ऐसे जाते देख अब सोना को अवतार के लिए घबराहट होने लगी थी। वो यही सब सोचते हुए रसोई में अवतार के लिए चाय बनाने चली गई। अवतार कमरे में आया और सीधे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाते ही उसने शॉवर चालू किया और उसके नीचे खड़ा भीगने लगा। उसे बार बार वही सारी बातें याद आ रही थी जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोना का सोच खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था पर सब बेकार था। इधर सोना जब चाय लेकर कमरे में आई तो अवतार को कमरे में न देख वो वॉशरूम के पास गई तो उसे पानी की आवाज आई। पानी की आवाज सुनते ही वो समझ गई कि अवतार नहा रहा है तो वो तुरंत ही अलमारी से टॉवल निकालकर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, मुखी सा ये टॉवल ले लीजिए क्योंकि अंदर टॉवल नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट अवतार ने जब सोना की आवाज सुनी तब उसने शॉवर बंद कर दिया और दरवाजा हल्का सा खोलकर उससे टॉवल ले लिया। सोना टॉवल देकर उसके कपड़े निकालने लगी। अवतार टॉवल लपेटकर बाहर आया तो सोना ने मुस्कुराते हुए उसे उसके कपड़े देकर बोली, आपकी चाय पी लीजिएगा, हम जाकर खाना बनाते हैं। अवतार ने जब उसे ऐसे जाते हुए देखा तो अब उससे रहा नहीं गया और वो सोना के पीछे से गले लग गया। सोना हैरान होकर उससे पूछते हुए बोली, आप ठीक है? अवतार ने उससे धीमी आवाज में बोला, हमें तुम छोड़कर मत जाओ। सोना अब उसकी तरफ मुड़कर बोली, हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर, हम तो बस खाना बनाने के लिए रसोई तक जा रहे हैं, प्लीज। इतना कहकर अवतार ने उसे अपने बाहों में भर लिया। अवतार की आंखें नम थी। सोना को ये तो नहीं पता था कि सभा भवन में क्या हुआ है पर उसे अवतार को देखकर अब अंदाजा हो गया था कि जरूर वहां कुछ ऐसी बात हुई है जिससे अवतार अभी ठीक नहीं है। यही सोचकर वो अवतार को गले लगाकर बोली, आपके रहते कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि आप कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। सोना की बातें सुनकर अवतार ने और जोर से उसे गले लगा लिया। तेरे लिए खुद को बदल दे, तेरे लिए कुछ भी कर दे, वादा है तुझसे मेरा अब सदा के लिए, तेरे लिए सांसें ले रहे, तेरे लिए हर दिन जी रहे, तू है मेरा मैं हूँ तेरा अब सदा के लिए, खुद पे कोई हक रहा ना हमारा, तेरे लिए हम हैं जिए, फिर अब ना होगा ये इश्क दोबारा, तेरे लिए हम हैं जिए, तू है मेरा मैं हूँ तेरा सहारा, तेरे लिए हम हैं जिए वो, मर के भी दे दूंगा ये कफारा, तेरे लिए हम हैं जिए, ओ तेरे लिए हम हैं जिए, जिस्म का नहीं तेरा मेरा रिश्ता, रूहों का ये रिश्ता है, कोई देखे जब सूरत मेरी तो दिखे तेरा चेहरा है, तू पनाह मेरी तू साया मेरा, तू मकान मेरा मैं बसेरा तेरा, तू मंजिल मेरी मैं मुसाफिर तेरा, तुझ पे ही आके मैं रुका, खुद पे कोई हक रहा ना हमारा, तेरे लिए हम हैं जिए, फिर अब ना होगा ये इश्क दोबारा, तेरे लिए हम हैं जिए, तू है मेरा मैं हूँ तेरा सहारा, तेरे लिए हम हैं जिए वो, मर के भी दे दूंगा ये कफारा, तेरे लिए हम हैं जिए, एक दिन ये उम्र ढल जाएगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी, तब भी रहना पास यूं मेरा, जब दिल की धड़कन थम जाएगी तेरी बाहों में दम निकले मेरा सनम, है बस यही आखिरी दुआ, खुद पे कोई हक रहा ना हमारा, तेरे लिए हम हैं जिए, फिर अब ना होगा ये इश्क दोबारा, तेरे लिए हम हैं जिए, तू है मेरा मैं हूँ तेरा सहारा, तेरे लिए हम हैं जिए वो, मर के भी दे दूंगा ये कफारा, तेरे लिए हम हैं जिए,
ओ तेरे लिए हम हैं जिए। गजकेसरी का घर। गजकेसरी परेशान घर पहुंचा तो उसे देखकर शारदा उसके पास आई और उससे पूछते हुए बोली, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या सभी लोग बहुत नाराज थे अथर्व भाईसा से? उद्धरण चिन्ह डॉट। गजकेसरी बैठकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ वह सब पहले से ही अवतार की शादी ने लेकर भड़के हुए थे और ईबीओ अथर्व की शादी ने वह में आग में घी का काम कर दिया से। वह सब अथर्व से ही ना, अवतार और रणविजय से भी गुस्सा से, और तो और उन तीनों की पत्नियों के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कहा से। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या फिर तो रणविजय भाईसा और अवतार भाईसा बहुत गुस्सा हुए होंगे? शारदा उन दोनों के बारे में सोचकर परेशान होते हुए बोली। तो गजकेसरी उसे देखते हुए बोला, हाँ गुस्सा तो हम सबने बहुत आ रहा था, पर हम सबने खून की घूंट पीकर वह सब सुनना पड़ा से। गजकेसरी की बातें सुनकर शारदा बैठी परेशान होकर इस बारे में सोचने लगी। तब गजकेसरी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी मन यो लागे से कि हम सबने यो जिम्मेदारी क्यों मिली से, कि हम चाह कर भी अपनी मर्जी का कुछ कर को नहीं सके से। उद्धरण चिन्ह डॉट। शारदा उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर उसे प्यार से देखते हुए बोली, भगवान उसे ही जिम्मेदारियां देते हैं जिसमें में उसे निभाना की काबिलियत होती है, और दुख भी उसे ही देते हैं जिसमें उसे सहने की सहन शक्ति होती है। आप देख लीजिएगा, वो सब इस मुश्किल से जल्दी बाहर आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। गजकेसरी ने शारदा के उस हाथ पर अपना हाथ रखा जो उसने उसके गाल पर रखा हुआ था और उसे देखते हुए बोला, पता न क्यों पर जब भी मैं थारे से बात करता सु तब थारी बातों से मारी आधी परेशानी दूर हो जावे से। शारदा मुस्कुराते हुए बोली, हम आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी जिसका मतलब आधा अंग। आपका सुख हमारे साथ मिलकर दुगना और दुख परेशानियां हमारे साथ बांटकर आधे हो जाएंगे। गजकेसरी ने उसे अपने करीब किया और उसके माथे को चूम लिया। अब गजकेसरी ने शारदा को गले लगा लिया। वो दोनों अभी गले लगे ही थे कि वहां गजकेसरी का बड़ा बेटा राजू आते हुए बोला, मासा मासा। उद्धरण चिन्ह डॉट। शारदा गजकेसरी से अलग हुई और उससे पूछते हुए बोली, हाँ क्या हुआ बेटा? मासा वो छोटा चूहा रो रहा है, हमने कोशिश की पर वो चूप नहीं हुआ। राजू ने अपना मुंह लटकाकर बोला। उसे ऐसे देख गजकेसरी और शारदा मुस्कुराने लगे। फिर शारदा उठकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, उसे भूख लगी होगी, हम अभी जाकर देखते हैं। इसके बाद शारदा वहां से चली गई। शारदा के जाने के बाद गजकेसरी अपने कमरे में फ्रेश होने और राजू बाहर खेलने चला गया। तेज प्रताप का घर। तेज प्रताप जैसे ही घर आया वो सीधे अपने कमरे में चला गया। पूर्वी उस वक्त अपने कमरे में पड़ रही थी, तभी तेज प्रताप कमरे में आया जिसे देखकर पूर्वी उससे पूछते हुए बोली, क्या हुआ वहां, सब क्या कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह डॉट। तेज प्रताप अपने कपड़े अलमारी से निकालते हुए बोला, सब पागल हो गए हैं, पहले चित्रा बायसा और सोना बायसा के पीछे पड़े थे, पर अब तो हुकुम रानीसा के पीछे भी पड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या, पर उनके पीछे क्यों? पूर्वी हैरान होकर खड़े होते हुए बोली। तेज प्रताप अब उसे देखकर बोला, क्योंकि वो घर में और बाहर दूसरी औरतों जैसे घूंघट में नहीं रहती हैं, वो बाहर जाकर पढ़ती है और भी ना जाने क्या क्या बेतुकी बातें बोल रहे थे। हमारा तो दिल कर रहा था कि हम उन्हें। तेज प्रताप गुस्से में अपनी बात बोलते बोलते रुक गया। तब पूर्वी उससे पूछते हुए बोली, अब आगे आप सब क्या करने वाले हैं? पता नहीं, अब तो हुकुम सा के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। जो भी उनका फैसला होगा हम सब उनके साथ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तेज प्रताप ने उसे जवाब देते हुए बोला और फिर बच्चों के बारे में पूछते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बच्चे कहाँ हैं, घर में दिख नहीं रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट। पूर्वी उसे बताते हुए बोली, वो विप्लव और काव्या खेलने बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, आप चेंज कर लीजिए, हम चाय लेकर आते हैं। पूर्वी वहां से उसके लिए चाय लेने चली गई और तेज प्रताप वॉशरूम में चेंज करने चला गया। जसवंत का घर। जसवंत जब घर पहुंचा तब हॉल में उसका बेटा युवराज बैठा पड़ रहा था। उसने जैसे ही जसवंत को आते हुए देखा वो उठकर उसके लिए पानी लेकर आया और उसे पानी देते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड इवनिंग बापूसा। जसवंत उसकी मासूम सी मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने उससे पानी लिया और पानी पीकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, गुड इवनिंग बेटा, आपकी ये मुस्कुराहट जब हम देखते हैं तो हमारी सारी थकान सारी परेशानी दूर हो जाती है। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। हाँ क्यों नहीं, आपके बेटे हैं ही इतने समझदार, साक्षी वहां आते हुए बोली। तो जसवंत उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला,
आप ऐसा क्यों बोल रही है साक्षी? साक्षी उसके पास आकर युवराज को देखते हुए बोली, हमें पूरे दिन ये परेशान करता है और अब आपके सामने कितना भोला बन रहा है। जसवंत साक्षी की बातें सुनकर युवराज को देखकर उससे पूछते हुए बोला, युवराज क्या आपकी मासा सच कह रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट। युवराज उन दोनों की तरफ भोली सी सूरत बनाकर देखने लगा और फिर एकदम से वहां से भागते हुए बोला, मासा झूठ बोल रही है, आओ तो यहाँ हम बताएं कौन झूठा है। साक्षी ने गुस्से में उसे भागते हुए देखकर बोला। युवराज के वहां से जाने के बाद साक्षी जसवंत के पास बैठकर उससे पूछते हुए बोली, तो फिर आज वहां क्या हुआ? जसवंत सोचते हुए बोला, और क्या होगा, जो हमने सोचा था उससे भी बुरा हुआ है। साक्षी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, बुरा? ऐसा क्या हो गया? चित्रा बायसा और सोना बायसा के साथ साथ हुकुमरानी सा का नाम भी उछला है। अच्छा था कि वहां अथर्व नहीं था, पर उन सब की बातें सुनकर रणविजय और अवतार की क्या हालत है वो हम खुद देखकर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, बस शांत बैठे खून के घूंट पी रहे थे। अब देखो कल क्या होता है। साक्षी जसवंत की बातें सुनकर सोचते हुए बोली, हमें तो ये सोचकर बुरा लग रहा है कि जब ये सब हुकुमरानी सा, चित्रा और सोना बायसा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। उद्धरण चिन्ह। हमें तो समझ ही नहीं आता कि इन सभी की मानसिकता कब बदलेगी। जसवंत ने इस बारे में सोचते हुए बोला, तो साक्षी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बदल जाएगी, वक्त लगेगा पर जरूर बदलेगी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्का